इसमें पहला है प्रकार आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। अगर दो कण हैं एक दूसरे की ओर अगर बल लगाते हैं तो वह आकर्षण का बल कहलाता है, और दो कण हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर बल लगाते हैं तो वो प्रतिकर्षण का बल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर सूर्य या मैग्नेट का एग्जाम्पल ले लें, नॉर्थ और नॉर्थ दो डिफरेंट मैग्नेट्स के अगर हम पास पास लाएंगे तो वे एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और नॉर्थ एक मैग्नेट का और साउथ दूसरे मैग्नेट का अगर पास में लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो ये कहलाता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। और इसी प्रकार के फोर्सेस होते हैं अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। दूसरा है एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। माना कि यह कोई पिंड ए है और यह कोई पिंड बी है, और ये बिंदु ओ पर एक दूसरे के संपर्क में है, तो पिंड ए जो दबाव लगाएगा पिंड बी पर, ए का बी पर दबाव, वो है बल एफ, यानी कि क्रिया ए की बी पर क्रिया। अगर वो पिंड बी पिचक नहीं रहा, जैसे कि कोई गुब्बारे के ऊपर कोई पत्थर के तो पिचक जाएगा, या कोई कच्ची मिट्टी की गेंद पर गीली कच्ची मिट्टी की गेंद पर अगर हम कोई बड़े पत्थर को रखें तो वो दब जाएगी, तो अगर वो दब नहीं रही इसका मतलब है पिंड बी भी एक बल लगा रहा है पिंड ए पर, प्रतिरोध का बल या फिर प्रतिक्रिया का बल, ये आर्सन प्रेजेंट किया जाता है बी की ए पर प्रतिक्रिया, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो यह है प्रतिक्रिया रिएक्शन, और यह है एक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन है इस पॉइंट पर, जो बिंदु ओ है उस पर जो एक टेंजेंट होगा, टेंजेंट के हमेशा पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। अगर कोई क्षैतिज तल है उस पर अगर कोई पिंड रखा हुआ है तो पिंड का जो वेट होगा mg, वो तो नीचे की डायरेक्शन में है, ये क्षैतिज तल है, कोई थीटा कोण बना हुआ है, परंतु इस क्षैतिज तल पर भी रिएक्शन होगा वो तल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, रिएक्शन r हमेशा इसी दिशा में होगा। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो इसको और विस्तृत इसकी जानकारी लेंगे, विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो ये जो पिंड है इसका वेट mg है, इसके दो घटक हो जाते हैं, एक तो घटक इस डायरेक्शन में, एक घटक इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो वर्टिकल जो घटक है वो इसको बैलेंस करता है आर को, और ये वाला घटक है इसके प्रभाव से वस्तु फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है क्षैतिज तल पर। तो जो रिएक्शन है वो हमेशा तल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो तल है उसका हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तीसरा है टेंशन एंड थ्रस्ट, तनाव एवं प्रणोद। ये कोई छत है जिससे कि एक डोरी में एक वस्तु जिसका कि वजन है mg, द्रव्यमान है m, तो उसका पूरा भार हो गया mg, ये नीचे के डायरेक्शन में एक कर रही है, ऊपर कील से बंधी हुई है, और ये एक डोरी है
जिसको मान सकते हैं कि उसका जो भार है वो नगण्य है, तो ये नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगी और डोरी में तनाव उत्पन्न होगा टी नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि ये बंधी हुई है और जैसे ही हम इसको फर्मली बंधी हुई है, अगर छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगी, क्योंकि फर्मली बंधी हुई है इसलिए ये तनाव टी ऊपर के डायरेक्शन में भी एक्ट होता है। तो डोरी में जब हम बताते हैं तो तनाव है ये ऊपर और नीचे दो डायरेक्शन में होता है। अगर किसी रॉड से किसी सरिये से किसी पत्थर को हम अगर धकेलें तो पत्थर का भी एक थ्रस्ट है वो सरिये पर या पत्थर पर आएगा। तो इस प्रकार का जो बल जो पत्थर लगा रहा है सरिये पर उसको थ्रस्ट या प्रणोद का बल कहते हैं। ये जब आएगा तब हम और इसको डिटेल में देखेंगे। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, माना कि ये एक बहुत बड़ा पिंड है, इसके बिंदु O पर इस दिशा में एक बल P कार्यरत है। इसके लाइन ऑफ एक्शन को हमने आगे बढ़ाया और यहां किसी बिंदु A पर हमने दो बल ले लिए, एक बल P जो कि इसके बराबर है इस दिशा में और दूसरा बल P जो कि इस दिशा में है। ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, ये बराबर होने चाहिए जिससे कि क्योंकि ये दृष्ट रेखा खंड है ये बल के परिमाण को निर्देशित कर रहा है। अगर कोई 10 न्यूटन का फोर्स इस दृष्ट रेखा खंड से हम लिख रहे हैं परिभाषित कर रहे हैं तो 5 न्यूटन का बल इस प्रकार से इस दृष्ट रेखा खंड के आधी लंबाई वाला दृष्ट रेखा खंड होना चाहिए जिससे कि हमें पता पड़े कि निश्चित रूप से इनके परिमाण में अंतर है। तो यहाँ पर क्योंकि परिमाण समान है हमने ये एक बल जो पी ओ बिंदु पर कार्यरत था इसकी क्रिया रेखा को आगे की ओर बढ़ाया इस दृढ़ पिंड पर बिंदु ए पर और यहां पर दो बल लिए हमने पी और पी, क्योंकि ये पी और पी समान है और विपरीत दिशा में है तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे। परंतु अगर अब इस पी और इस पी को देखें तो ये दोनों भी एक विपरीत दिशा में है और एक दूसरे को साम्यावस्था में लेकर आएंगे। तो इस तरह से क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को साम्यवस्था में लेकर आएंगे इस दृढ़ पिंड पर तो इसलिए मात्र ए पर एक बल बचा जो कि पी के बराबर है। तो जो ओ पर एक बल पी था उसको हमने शिफ्ट कर दिया ए पर एक बल पी के बराबर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस या बल संचरणशीलता का सिद्धांत। वैसे भी अगर एक कोई बिंदु है पी, इस पर अगर कोई ये पुश का बल लग रहा है, ये पुश कर रहा है इस कण को इस बिंदु को पी को, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं आगे की ओर पुल वाले बल में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि कण पर इस बिंदु की बिंदु पर इस बल एफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है बल संचरणशीलता का नियम। यहां पर एक छोटी सी पकड़ में आई है गलती कि इसको मैंने क्षैतिज तल बता दिया, ये नत तल है, इसको हिंदी में नत तल कहते हैं या इंक्लाइंड सरफेस, और ये है क्षैतिज तल या हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इस क्षैतिज तल नत तल पर अगर कोई पिंड रखा हुआ है जिसका कि द्रव्यमान m है तो भार mg हो गया, तो इस पर रिएक्शन इस नत तल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, नत तल के जो कि क्षैतिज से थीटा कोण पर है नत तल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कंपोजिशन और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस देखेंगे, तो इनको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिए जिससे कि आगे समस्या नहीं आए। Thank you.